नमस्कार, शाम के 5 बजने को है दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। यूपी के जौनपुर में मेरी मौजूदगी है और यहीं से सटे वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों से लगातार पूरे देश में एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। काशी का विकास मॉडल देश के सामने रखकर दरअसल एक तरफ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर बढ़ चढ़ कर बीजेपी आगे बढ़ रही है, तो वहीं काशी के भव्य स्वरूप को दिखाकर इस बात का दावा किया जा रहा है कि देखिए काशी में किस तरह का बदलाव हो गया है बीते 7 सालों में। इन सब के बीच तैयारी भी पार्टियों की जोरों पर है। आपको बताते चले, जौनपुर में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया की मौजूदगी है, तो बीजेपी लगातार पूरा जोर पूरे के पूरे पूर्वांचल में लगाना चाहती है इस काशी के विकास मॉडल के जरिए। लेकिन इसमें कामयाबी कितनी मिलेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विकासवाद या फिर लाल टोपी और जालीदार टोपी को लेकर जो बहस इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल पड़ी है, उससे मिलेंगे वोट, इसी मुद्दे पर दंगल में बड़ी बहस की हम शुरुआत करेंगे। लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद 2014 से पहले बीजेपी की सोच में था, 2014 के बाद भाषणों में था, 2022 से पहले अब काशी की तस्वीरों में। ये राष्ट्रवाद बनारसिया है, सिर्फ भक्ति की शक्ति नहीं, सिर्फ विकास का नमूना नहीं, मोदी राज का काशी मॉडल है ये, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हिंदुस्तान के बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक करते हैं। पीएम मोदी की बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों की इस बैठक का मुख्य एजेंडा भले ही गुड गवर्नेंस हो, लेकिन आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि अगर सरकार ने कोई काम किया है तो उसका प्रचार और प्रसार भी होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें कोई कमी रह गई तो इसका खामियाजा जो है वो चुनाव के अंदर पार्टी और सरकार दोनों को भुगतना पड़ेगा। मोदी के इस काशी मॉडल के विपक्ष में खड़े दिखते हैं अखिलेश, पूर्वांचल के ही जौनपुर में रथ यात्रा करते हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी दिल्ली में संसद के बाहर सड़कों पर मार्च करते हुए, नारा समाजवाद से लेकर लोकतंत्रवाद का है। भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ सकती लाल रंग, क्योंकि लाल रंग इमोशन का है। आप जब खुश होते हैं तो आपका चेहरा लाल हो जाता है, और जब आप गुस्से में होते हैं तो आपके कान और चेहरा लाल हो जाता है। ये इमोशन का रंग है, ये हमारे खून का रंग है। क्या भारतीय जनता पार्टी का खून काला है? उनका भी काला नहीं हुआ, उनका भी लाल है। गंगा में कोई भी स्नान कर दे वो टीवी पे नहीं आ सकता, मगर अकेले प्रधानमंत्री गंगा में स्नान करेंगे पूरा हिंदुस्तान देखेगा, पूरा हिंदुस्तान देखेगा, क्योंकि एक प्रधानमंत्री के पीछे पूंजापतियों की 2-3 शक्ति है। बीजेपी के देश के सत्ता शिखर पर पहुंचने के बाद से काशी में बदला तो बहुत कुछ है, यूपी में बदला तो बहुत कुछ है, देश में बदला तो बहुत कुछ है। बदलाव है सोच में, स्वरूप में, लेकिन 2017 से लेकर 2019 तक संक्रमण काल था, इसलिए 2022 का नतीजा, यूपी का नतीजा सबसे बड़ा नतीजा होगा। वाराणसी से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। कल से लेकर आज तक के बीच में भक्ति और विकास का जो बड़ा मॉडल रखने की देश के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोशिश की है, उसकी एक झलक अब से थोड़ी देर पहले ही मिली जब स्वबेर मंदिर में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उस समय जोर देकर किस बात पर सबसे ज्यादा फोकस उनकी ओर से किया गया, जरा सुनिए। कल रात 12:30 बजे के बाद जैसे ही मुझे अवसर मिला, मैं फिर निकल पड़ा था अपनी काशी में। जो काम चल रहे हैं, जो काम किया गया है, उनको देखने के लिए निकल पड़ा था। गदौलिया में जो सुंदरीकरण का काम हुआ है वो वाकई देखने योग्य बना है।
इस बदलाव से काशी ने ये दिखाया है कि इच्छा शक्ति हो तो परिवर्तन आ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वराज के साथ सुराज की भी बात कही है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने और क्या कुछ जोड़ा वो भी जानिए। आज आजादी के अमृत काल में भारत के लिए जितना महत्वपूर्ण स्वराज है उतना ही महत्वपूर्ण सुराज भी है। हम दोनों का रास्ता भारतीय ज्ञान विज्ञान जीवन शैली और पद्धतियों से ही निकलेगा। तो काशी मॉडल के जरिए एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में, लेकिन यूपी पर खासतौर से फोकस, क्योंकि दो महीने के बाद यहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं और बीजेपी 2017 वाला प्रदर्शन फिर से दोहराने की बात हर जगह कह रही है इसी काशी मॉडल को दिखाकर। इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ चुके हैं। सुप्रिया सिंह, कुछ देर में कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता मौजूद रहेंगी। विजय त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और थोड़ी देर में राजकुमार भाटी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत आपसे करते हुए, क्योंकि काशी का विकास मॉडल यकीनन काशी में बीते 7 सालों में बहुत कुछ बदला है और तस्वीरें वो देश के सामने भी आ रही हैं। लेकिन अगर इतना ज्यादा विकास है, सबको साथ में लेकर चलने की बात है, तो फिर बीजेपी के ही मुख्यमंत्रियों को इस भव्य और बड़े कार्यक्रम में क्यों बुलाया गया था? आपने तो सबके साथ सबके विकास की बात कही थी, तो बाकी लोगों को इस आयोजन से दूर क्यों रखा गया? बार बार ये सवाल विपक्ष की ओर से पूछे जा रहे हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों का अलग से सम्मेलन जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की उपस्थिति में किया जाना था। अब अगर मान लीजिए आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी शेष दलों के मुख्यमंत्रियों की बैठक का भी अगर संबोधित करने लगे तो सारे दल तो वैसे ही चीखने चिल्लाने लगेंगे कि आप जो है हमारा नेतृत्व क्यों कर रहे हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक थी, वहां पर हम विकास कार्य को कैसे गति दें, जिस तरह से मिथ्या प्रचार चलता है विपक्ष का उससे कैसे निपटे, ऐसे में स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया। इसमें विपक्ष, अगर विपक्ष को लगता है कि काशी में करा तो विपक्ष के लोग जो है काशी आए, काशी में दर्शन करें, स्नान करें और काशी में सम्मेलन करें, किसी ने नहीं मना किया है उनको। जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे तो यकीनन पूछा ही जाएगा कि बाकी मुख्यमंत्रियों को दूर क्यों रखा गया। लेकिन आपने कहा कि बीजेपी के कार्यक्रम की वजह से इस तरह का आयोजन वहां पर रखा गया। लेकिन अब मैं विजय त्रिवेदी जी सीधे आपके पास आ जाती हूं, क्या काशी के इस विकास मॉडल से बीजेपी को यूपी में मिलेंगे वोट? जी, काशी का विकास मॉडल जो बीजेपी पेश कर रही है वो सिर्फ काशी का नहीं है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कल चर्चा की, आज चर्चा की, वो पूरे उत्तर प्रदेश की और देश भर के विकास मॉडल की बात कर रहे हैं। आप यदि देखें तो पिछले 1.5 महीने में 6 बार प्रदेश के पूर्वांचल का दौरा किया और पिछले 1 महीने 1.25 महीने में करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए की प्लान योजनाएं जो है उत्तर प्रदेश के लिए दी गई है। तो वो सिर्फ काशी की बात नहीं है, काशी विश्वनाथ धाम का कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट, श्रीनगर में जिस तरह से एयरपोर्ट बनाया गया, जो 9 जिलों में हॉस्पिटल कॉलेज बनाए गए और जो हाईवेज का जो काम हुआ है, वो सबको मिलाकर बीजेपी ने एक नया पैकेज तैयार किया, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकास दोनों, जिसका जिक्र अभी प्रधानमंत्री वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं, तो वो डेवलपमेंट को और धर्म को दोनों को एक साथ जोड़कर नए प्लान पर चल रहे हैं। और शायद इसी की चर्चा करने के लिए उन्होंने आज अपने भारतीय जनता पार्टी शामिल किया। जो सवाल है कि भाई विपक्ष, जैसे आपने भी चर्चा की कि विपक्ष क्यों हल्ला कर रहा है, हमारे साथ विपक्षी दल के नेता भी जुड़ चुके हैं। अब मैं सीधे जाती हूँ राजकुमार भाटी जी। ठीक है सर, सीधे राजकुमार भाटी जी आपके पास आते हुए, विजय जी उसके बाद में आऊंगी, सुप्रिया सिंह भी हमारे साथ क्या जुड़ चुके हैं मुझे बताएगा। राजकुमार भाटी जी, सीधा सा सवाल, काशी का विकास मॉडल जिसमें विकास भी है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी है, भक्ति भी है और उसकी शक्ति भी है, और बीजेपी ये कह रही है कि दरअसल इस विकास मॉडल को देखकर समाजवादी पार्टी बौखला गई है, इसी वजह से अब जिस तरह का बयान अखिलेश यादव की ओर से प्रधानमंत्री के संदर्भ में दिया गया है कि आखिरी वक्त पर लोग काशी ही आते हैं,
इस तरह का बयान देने की जरूरत क्यों आन पड़ी है? राजकुमार भाटी जी, देखिए इस बात में तो कोई भारतीय जनता पार्टी के शासन समय चल रहा है। उत्तर प्रदेश में तो 2 ही महीने बाकी हैं, 2 महीने बाद चुनाव हो जाएंगे, सरकार बदल जाएगी। जो उत्तर प्रदेश का माहौल है, जो लोग दुखी हैं उससे, तो ये तो अखिलेश जी ने ठीक कहा कि आखिरी समय है, अपना दर्शन वर्शन कर लें, पुण्य प्राप्त कर लें। लेकिन जहां तक बात आप कह रही हैं कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकास दोनों को जोड़ के बढ़िया पैकेज तैयार कर रहे हैं और बढ़िया फॉर्मूला लेके आ रहे हैं, और अच्छा, तो इसमें आपको लगता नहीं कि बहुत देर कर दी इन्होंने? जब 5 साल का समय गुजर गया, 2-3 महीने बाकी हैं सरकार के पास, 5 साल में तो कोई उपलब्धि करके दिखाई नहीं थी। 5 साल तो लोग परेशान रहे, 5 साल तो केवल धमकाने में, चरित्रहनन करने में, विपक्ष को गालियां देने में, इनको सुधार दूंगा, उनको सुधार दूंगा, ठोक दूंगा, ठीक कर दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें लगे रहे। कोई विकास का खाका था नहीं उनके पास। जो थोड़ा बहुत पहली सरकारों ने किया था, माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था, उसे भी बर्बाद कर दिया। 100 डायल की सेवा बहुत बेकार हो चुकी है। एम्बुलेंस सेवाएं अखिलेश जी ने 1800 एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश को दी थी, 108 एम्बुलेंस सर्विस जो फ्री एम्बुलेंस सेवा थी, एक भी गाड़ी 5 साल में बीजेपी की सरकार ने नहीं बढ़ाई, वे और खराब हो गई। उनमें से बहुत गाड़ियां आपने देखा था, पीछे वीडियो आए थे कि गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं, उनमें डीजल तक नहीं डाल पा रहे हैं। ठीक है, वो मेंटेनेंस नहीं होता है, वो महत्वपूर्ण है। प्रेम शुक्ला जी, इस पर जवाब दीजिए। लेकिन इस तरह की बातें करना कि दरअसल आखिरी वक्त में लोग काशी ही पहुंचते हैं, यहाँ 1 महीने रह जाए, 2 महीने रह जाए, 3 महीने रह जाए, आखिरी वक्त यहीं पर गुजारते हैं, तो इस तरह का बयान अगर दिया जाएगा तो इस पर सवाल उठेंगे। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर उन्होंने सीधे बीजेपी से सवाल पूछे हैं, जवाब दीजिए इस पर आप। उनका ये कहना है कि दरअसल बहुत सारे औरंगजेब की संस्कृति भटकाने के लिए ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की थ्योरी लेकर आती है बीजेपी। देखिए, औरंगजेबी संस्कृति में जो लोग पले बड़े हैं वो स्वाभाविक तौर पर किसी भी बुजुर्ग की का सम्मान करना नहीं जानते हैं, क्योंकि औरंगजेब अपने पिता शाहजहां के साथ अंतिम दिनों में किस तरह का व्यवहार करता सब जानते हैं। और आदरणीय, मैं आदरणीय कह रहा हूं अभी भी अखिलेश सिंह यादव को, आदरणीय अखिलेश सिंह यादव जी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं ये भी सारे लोग देख रहे हैं। खैर, ये उनका अपना मामला है। मुद्दे की बात ये है, विकास की बात कह रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी और बसपा 2007 से 2017 के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में इन्होंने एक्सप्रेस वे बनाया 468 किलोमीटर, और भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में सिर्फ 4.5 वर्षों में 660 किलोमीटर से अधिक एक्सप्रेस वे का निर्माण हुआ। पर कैपिटा इनकम जो सबसे बड़ा मानक आर्थिक विकास का माना जाता है, उत्तर प्रदेश में 4.5 वर्षों में 2 गुना हुआ, जीडीपी 2 गुनी हुई, काशी का कायाकल्प आप देख ही रहे हैं, जो वर्ष 4 दशकों से जो काम नहीं हुआ था वो सरयू जी पर बांध का निर्माण आपने देखा, उसका लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। 2018 में जिसका शिलान्यास किया वह पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 2021 में लोकार्पित कर दिया गया। तो विकास के, और आप किसानों के बारे में देखें तो पहली ही कैबिनेट की बैठक में 38,000 करोड़ रुपयों के किसानों के कर्ज को माफ कर दिया गया। किसानों को 1 लाख, सिर्फ गन्ना किसानों को 1,40,000 करोड़ रुपयों के भुगतान किए जा चुके। 11,000 करोड़ रुपए जो बकाया थे अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल के, उसका भी भुगतान आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में हुआ। रिकॉर्ड गेहूं खरीदी हुई, रिकॉर्ड धान की खरीदी हुई, शौचालयों का निर्माण हुआ, सबके घर में बिजली पहुंची। बिजली अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल में, आप स्वयं घूम रही हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, आप बताइए अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल में बिजली और आज की बिजली। देखिए, मैं चित्रा जी में बोलूं, ठीक है, अखिलेश यादव के कार्यकाल से उन्होंने तुलना की है क्या? सुप्रिया श्रीनेत भी जुड़ चुके हैं, मुझे बताइए प्लीज। लेकिन उसके पहले राजकुमार भाटी जी, वो गिना तो रहे हैं अपना कामकाज, वो पूछ रहे हैं, नजर नहीं आता आप लोगों को। केवल झूठ बोलने का काम शुक्ला जी कर रहे हैं, केवल झूठ, केवल झूठ, केवल झूठ। कौन सा हाईवे इन्होंने 600 किलोमीटर बना दिया एक्सप्रेस वे, एक एक्सप्रेस वे पूर्वांचल, वो भी आधा अधूरा है, अभी उसमें काम पूरा नहीं हुआ है, और उसका उद्घाटन कर दिया क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, सरकार आ रही है, जाने वाली है। लेकिन जो कह रहे हैं, अगर इतना काम आपने किया था तो पश्चिम बंगाल का पुल ला के छापने की क्या जरूरत थी, अमेरिका की फैक्ट्री की क्या जरूरत थी, आप तेलंगाना का बांध छाप रहे हैं अपने विज्ञापन में, उसकी क्या जरूरत थी? फर्जी प्रचार क्यों कर रहे हैं? फिर अपने कामों को प्रचार करते हैं। मैं कह रहा हूं, जो अब ये कह रहे हैं अखिलेश जी ने कुछ नहीं किया, अखिलेश जी ने कन्या विद्याधन देते थे, लैपटॉप देते थे बच्चों को, महिलाओं को समाजवादी पेंशन देते थे, अखिलेश जी ने लोक भवन बनाया, लखनऊ का शानदार जो स्टेडियम जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी इन्होंने किया वो अखिलेश जी ने बनाया, अखिलेश जी ने
302 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 22 महीने के अंदर बना के तैयार किया, 5 शहरों में मेट्रो चलाई। घोषणा पत्र में तो इन्होंने भी कहा था कि मेट्रो दूसरे शहरों में चलाएंगे, एक शहर में भी नहीं चला पाए। इन्होंने कहा था लैपटॉप देंगे, एक भी बच्चे को लैपटॉप नहीं दिया। तो इन्होंने झूठ बोलना है, झूठ तो कितना ही बोलो इनसे। ठीक है, लैपटॉप का मुद्दा आपने उठाया है, प्रेम शुक्ला जी से मैं जवाब ले लेंगी, लेकिन सुप्रिया सुनीत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हुए। प्रधानमंत्री अगर गंगा में डुबकी लगा लें अपने संसदीय क्षेत्र में आकर, तो फिर कांग्रेस पार्टी को दिक्कत क्यों होती है? बीजेपी ये सवाल सुप्रिया सुनीत आपसे पूछ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे, गंगा में साफ सफाई हुई है, यकीनन वो तस्वीर वो पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन गंगा में डुबकी को लेकर इतने सारे सवाल आखिर क्यों सुप्रिया सुनीत? और काशी के जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर बीजेपी आगे बढ़ी है, क्योंकि 2014 की पहले वो बातें कहती थी, 2014 के बाद हम सब ने देखा यूपी में अलग अलग भाषणों पर दिखाई देती थी, लेकिन अब वही चीजें जमीन पर उतरती हुई काशी में नजर आ रही हैं, तो क्या ये कांग्रेस पार्टी को रास नहीं आ रहा? बीजेपी का ये सवाल है आपसे। नहीं, ये मूर्खतापूर्ण सवाल है, हमने इस पर कोई जवाब नहीं उठाया। मैं माफी चाहती हूँ, मुझे थोड़ी देर हो गई आने में। मैं दो बातें करना चाहती हूँ। आप जो भी डिबेट कर रही हैं आज उत्तर प्रदेश के ऊपर, उसका सबसे बड़ा मुख्य बिंदु तो आज वो है जो SIT ने बोला। SIT का तो कहना है लखीमपुर के किसान नरसंहार को जानबूझकर साजिश के तहत किया गया था, और उन्होंने सारी धाराएं भी बदलने की बात करी उच्चतम न्यायालय में। वो तो 307 मर्डर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा रहे हैं, और उसके बाद भी आज लखीमपुर के सांसद देश के गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं। तो प्रधानमंत्री जी डुबकी लगाए, 6 बार वस्त्र बदले, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, मुझे पर्सनली भी आपत्ति नहीं है, लेकिन आज प्रधानमंत्री को एक ही सवाल का जवाब देना है कि क्या राहुल गांधी की टिप्पणी है काशी में, राहुल गांधी की टिप्पणी अलाउ करती है उनके डुबकी लगाने पर? हाँ, मैं बोल लूँ। हाँ, अच्छी बात है, डुबकी लगाए, थोड़ी सत्य की भी डुबकी लगाए, थोड़ी नैतिकता की भी डुबकी लगाए। काशी के प्रदेश, काशी जैसे शहर में रहते हुए क्या अजय मिश्र टेनी को अपने मंत्रिमंडल में रखना मोदी जी की मजबूरी है, जिसके लड़के के ऊपर साजिश के तहत किसान नरसंहार का मामला ऑपोजिशन नहीं SIT जो गठित हुई है वो बना रही है? मेरे इस छोटे से सवाल का जवाब मुझे जरूर चाहिए आज पक्षपात से। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, वो पूछ रहे हैं कि अजय मिश्रा टेनी अपने पद पर अब तक क्यों बने हुए हैं, अगर उनके बेटे को जो अब तक जांच रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये पाया गया है कि साजिशन उस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। देखिए, अगर अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कोई प्रमाण मिलेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, अभी तक कोई प्रमाण मिला है? पूछ कौन रहा है जिन्होंने 10,000 निर्दोष सिखों की हत्या करने के बाद सिखों के हत्यारे HKL भगत को राजीव गांधी ने मंत्री बनाया, और नरपिशाच राजीव गांधी, नरपिशाच मैं कह रहा हूं इसलिए कि 10,000 सिखों की हत्या के बाद वह नरपिशाच कहता है कि अगर एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और उसको भारत रत्न आप देते हैं। जो 10,000 निर्दोष सिखों की कत्ल करवाता है उसको आप भारत रत्न देते हैं, इनकी ये नैतिकता है? ये नैतिकता भी बात करेंगे जो शिबू सोरेन को कन्विक्ट होने के बाद, जब शिबू सोरेन को अपने PA की हत्या के मामले में कन्विक्ट कर दिया गया, उसके बाद कन्विक्टेड शिबू सोरेन को जो मंत्री बनाते हैं वो बताएंगे हमको, नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे? कौन नैतिकता का पाठ पढ़ाएगा जी, कि जिन लोगों ने सज्जन कुमार को के खिलाफ कार्रवाई की ही नहीं जीवन भर, जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो सज्जन कुमार जेल गए, कौन बताएगा? जो जगदीश टाइटलर को आज भी मंत्री बनाने और कमेटी देने के लिए तैयार थे, कौन बताएगा? जो कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना देते हैं, जो कमलनाथ रकाबगंज गुरुद्वारे के बाहर लोगों को जिंदा जलवाने के निर्देश देकर जिंदा जलवाता है, ऐसे नरपिशाचों को जिन्होंने लगातार मंत्री मुख्यमंत्री बनाया, वो हमको नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं? ये तो भोगेगा उनकी ओर उठाई है, 3 उंगली आपकी ओर इशारा कर रही है, उन्होंने जो जवाब दिया है उस पर ठीक है सर, वो भी आपके गिना रहे जी, क्या आपके कार्यकाल के दौरान क्या कुछ हुआ? और हम जरा काशी वाले मुद्दे पर भी आपका जवाब चाहेंगे, इस पर भी आप जवाब दीजिए, लेकिन काशी का एक जो विकास मॉडल, चूंकि प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र में है, बार बार विपक्ष की ओर से सवाल पूछा जाता है क्या काम किया, क्या काम किया बताइए, तो अगर वो कामकाज दिखा रहे हैं बता रहे हैं, आधी रात को प्रधानमंत्री रेलवे स्टेशन जाते हैं, काशी की सड़कों पर जाते हैं, गोदौलिया में घूमते हैं, तो कम से कम अपने संसदीय क्षेत्र में जो विकास के काम किए हैं विपक्ष को या वो नजर क्यों नहीं आता है? सुप्रिया सुनीत जी, चित्रा जी मेरा गला खराब है और मैं किसी के बीच में बोलना नहीं चाहती, और मैं आशा करती हूँ आप भी मेरे बीच में 2 मिनट के लिए नहीं बोलिएगा। सबसे पहले तो मुझे
आपत्ति है और बहुत अफसोस है कि एक प्रधानमंत्री की जिसकी आतंकवाद के हत्थे चलते शहादत हुई, जो इस देश में सूचना और प्रौद्योगिकी की क्रांति लाया, उसके लिए यहां पर बैठा एक आदमी नरपिशाच का शब्द प्रयोग करता है और आप उस पर आपत्ति नहीं जताती हैं। मुझे दुख है, मुझे अफसोस है ऐसे शब्दों के चयन पर। यह नीचता दिखाता है, गंदी विक्षिप्त मानसिकता दिखाता है इस आदमी की। गाली वाली बाई, गाली पे आई, बोलना चाहती हूं। गाली वाली बाई, बार बार सवाल पूछ रहे हैं, चुप रहिए, चिल्लाइए मत। गाली वाली बाई, क्योंकि मैं जौनपुर में बैठी हुई हूँ, मुझे जितनी आवाज समझ में आई उस पर मैंने अपनी बातें आगे बढ़े। एक सेकेंड सर, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं प्लीज, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। जितना मुझे समझ में आया उतना मैंने जवाब दिया, लेकिन आप बैठे हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते, आप आपत्ति जताइए। यकीन अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया तो कोई ठीक नहीं है। कोई गलत और व्यक्तिगत टिप्पणी पर किसी के भी साथ खड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। मैं जौनपुर में हूँ, जितनी आवाज समझ में आ रही है उस पर मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाई, जल्दी से सूचना दीजिए, ठीक है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। प्रेम शुक्ला जी, उनकी बात हो जाए फिर आप बोलिएगा। बोलिए सुप्रिया जी। मुझे अच्छा लगता है जब ये आदमी बैठकर मुझे गंदी गंदी गालियां देता है यहाँ पर। सारे देश को पता तो चलता है तो कि इनकी मानसिकता क्या है, सारे देश को पता तो चलता है कि दो दो बार एक पूर्व प्रधानमंत्री को। चुप रहिए बाप, बीच में मत बोलिए, मेरे संस्कार में नहीं है, मैं बीच में नहीं बोलना चाहती हूँ। संस्कार है कांग्रेस की, गलिच्छ संस्कृति से इस तरह की गालियां प्रकट होती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग संस्कारित है, अपशब्द नहीं बकते हैं और स्त्रियों का सम्मान करते हैं, लेकिन आपकी संस्कृति में गाली देना जो है वो सभ्यता है। ठीक है, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। प्रेम शुक्ला जी, आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा। शुक्ला जी, बात जल्दी से पूरी कीजिए, दो और लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। विजय त्रिवेदी भी बहुत देर से बैठे हुए हैं। हाँ बोलिए अपनी बात को। मैं फिर से बोलूंगी, विक्षिप्त मानसिकता, विक्षिप्त मानसिकता की निशानी है कि आप एक पूर्व प्रधानमंत्री को जिसकी आतंकवाद के चलते शहादत हुई यहाँ पर दो बार नरपिशाच बुलाते हैं, ये दुनिया देख रही है। उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, आप बनारस की बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी कहाँ थे जब बनारस से लेकर बलिया तक लाशें तैर रही थी कोरोना काल के दौरान? कहाँ थे प्रधानमंत्री जी और आज भी क्यों चुप है किसान नरसिंहार लखीमपुर पर? आज सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है, एसआईटी कहती है जानबूझकर साजिश करी गई है। मैं फिर से पूछूंगी, आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप अजय मिश्रा टेनी को अपना मंत्री बनाए हुए हैं? आप कह रहे हैं आपको उनके खिलाफ सबूत चाहिए, क्या न्याय और मर्यादा यह नहीं कहता है? क्या नैतिकता यह नहीं कहती कि वो व्यक्ति उस पद पर नहीं हो सकता जब उसका लड़का मेन नामजद अभियुक्त है? ये नैतिकता और मर्यादा है और इसी से सरकारें चलती हैं। आज डिबेट एसआईटी की चार्जशीट की तरफ होना ही पड़ेगा। राहुल गांधी की टिप्पणी और मेरी टिप्पणी पर मत जाइए, इस विक्षिप्त मानसिकता के आदमी से ये जवाब चाहिए आज मुझे। देखा देखा, गाली बकेंगी ये, इनसे आप और कोई अपेक्षा नहीं करेंगे। व्यक्तिगत टिप्पणी एक दूसरे को मेन मुद्दे पर लगातार कर रही है, मुद्दे पर हम डिबेट करने के लिए बैठे हैं। सुप्रिया ने अजय मिश्रा टेनी की बात आपने सुप्रिया जी लगातार अपशब्द बक रही है, लगातार बक रही है, वो लगातार अपशब्द बक रही है, वो विक्षिप्त मानसिकता। मैं इनको कह दूं पर बहस जनता चाहती है, लेकिन आप लोग व्यक्तिगत टिप्पणी कर करके उस बहस को अलग दिशा देने की कोशिश करती हैं। मैंने कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, 10,000 की हत्या करने वाले को नरपिशाच कहना तो स्वाभाविक है। इस डिबेट को खराब नहीं करें, अगर कहीं कामकाज हुआ है और उस कामकाज को लेकर हम सवाल पूछ रहे हैं तो इस मुद्दे पर वापस लौटते हैं, इधर उधर नहीं जाकर। और व्यक्तिगत टिप्पणी आप सभी से गुजारिश है कि कम से कम पूरा देश देख रहा हो उस समय एक दूसरे पर ओछी और निहायत निजी टिप्पणी करके आप लोग खराब मानसिकता का परिचय देते हैं। दोनों से ही ये गुजारिश है, मेन मुद्दे पर आइए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जनता को समर्पित, काशी का विकास जो हुआ है पूर्वांचल में क्या इसके जरिए बड़ा संदेश देने की कोशिश? और इसी के साथ विजय त्रिवेदी जी, सुप्रिया जी जो बार बार सवाल उठा रही है कि टेनी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा लेने में क्या देरी कर रही है और ये बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है? और फिर से आती हूं मैं, जो हमारा मुद्दा था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसके जरिए एक तरह से कहा जा रहा है कि देश का मानस बदलने का काम भी क्या बीजेपी की ओर से किया गया है? क्योंकि कल मैं बनारस में थी, देर रात में वहां से वापस लौटी हूं जौनपुर, वहां का माहौल तो कुछ यही बयां करता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी का जो मकसद है 2014 के पहले का, क्या वो काशी के जरिए कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है? विजय त्रिवेदी जी। जी बिल्कुल, आप ठीक बोल रहे हैं। काशी में जिस तरह से कल काम हुआ है, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने किया है प्रोजेक्ट को, कॉरिडोर को किया है, फिर रात को वो
महाराज के स्टेज पर गए, और मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के लिए अयोध्या केवल एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुद्दा था, धर्म का मुद्दा था। अब उन्होंने एक और बड़ा केंद्र बना दिया अयोध्या से शिफ्ट करके काशी पर, और काशी और अयोध्या को दोनों को लिंक कर दिया। कल भारतीय जनता पार्टी के सभी मुख्यमंत्री अयोध्या जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश को पूरे एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में जोड़ने की जो एक्सरसाइज है, ये पॉलिटिकल एक्सरसाइज है, और कितना फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन एक जनमानस में एक नया असर डालने की कोशिश की। फिर काशी कॉरिडोर में उन्होंने क्या कहा, बिना कोई तोड़, बिना किसी विध्वंस के, जो हजार साल का जो हमारा इतिहास था उसको बदलने की एक कोशिश की गई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद जिस तरह से सोमनाथ में निर्माण हुआ, उस तरह से काशी विश्वनाथ को लेकर कोई अयोध्या जैसी घटना यहाँ नहीं हुई है कि किसी चीज को विध्वंस करके तोड़ा गया हो या किसी चीज को नुकसान पहुंचाकर फिर काशी का जो कॉरिडोर बनाया गया है उसको, तो वो एक नया तरीके का सोच समझ, एक नया मानस बनाने की कोशिश की गई है पॉलिटिकल मार्केटिंग में। और वैसे भी मार्केटिंग में कहा जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है, तो प्रधानमंत्री रही है उस काम को, उनके मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, उनके नेता उसको दिखाएं, और वही एक्सरसाइज आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में की गई कि हम सरकार की योजनाओं को बार बार दिखाएं और उसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये बात को बार बार कहने से, कहा जाता है कि 100 बार बोला जाए तो कोई भी बात सच लगती है, तो वो एक एक्सरसाइज है। सुप्रिया जी जो बात करी वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसके दो पहलू हैं। एक पहलू है लीगल, तो लीगल तौर पर तो जो अजय मिश्रा जी हैं वो कहीं पर अपराधी नहीं होते, क्योंकि तौर पर होता है जिसने कहा कि SIT की रिपोर्ट जो है वो गंभीर है, लेकिन हमारा जो सिस्टम है पॉलिटिकल सिस्टम, हमारी जो सरकारें हैं वो मर्यादा और नैतिकता से चलती है, और उसमें सब लोग ये उम्मीद करते हैं नैतिकता का जो ये होती है तौर पर माना जा रहा है, SIT उनको आरोपी बना रही है, ये बड़ी तो बात आपकी ओर से कही जा रही है। राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की जगह होनी ही चाहिए, ठीक है। अब आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई है उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दिया है। बिल्कुल सर, आपने बड़ी बात कही है जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कर ले, राजकुमार भाटी जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से। सर बस मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि जो चर्चा हो रही है उसमें वो पॉलिटिकल हमाम ऐसा है जिसमें आप देख ही रहे कि सब लोग किस तरह से, एक तो उसके बाद 5 घटनाएं पुरानी भी होगी, सब लोगों की, लेकिन दो गलतियों को, एक गलती दूसरी गलती को सही नहीं ठहराती। प्रेम शुक्ला जी भले ही पुरानी बातों को याद दिला दें सुप्रिया जी को, लेकिन आज उनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्या वो मानते हैं कि नहीं मानते कि नैतिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी क्या करती रही है। पहले के दौर में, पहले की जो लीडरशिप में, उसमें बार बार ये बात हुई है, कुछ मंत्रियों के इस्तीफे इस सरकार में भी हुए नैतिकता के आधार पर। तो नैतिकता ये कहती है, खासतौर से इलेक्शन जब हो रहे हों, और काशी विश्वनाथ में जब बात कर रहे हो हम राज और सुराज की और शिव की, तो फिर वहां पर नैतिकता को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जनता सब कुछ देखती भी है, नैतिकता भी देखती है, नैतिकता का ध्यान रखना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, बीजेपी को नैतिकता का ध्यान रखना चाहिए, क्या है जवाब? और सुप्रिया सुनेत भी बीजेपी से सवाल पूछ रही थी, दोनों लोगों के जवाब दीजिए आप। देखिए, नैतिकता का हम पूरा ध्यान रखते हैं। आप कल्पना कर सकती हैं कांग्रेस के राज में क्या मंत्री के बेटे को इस तरह से गिरफ्तार किया जा सकता था? चूंकि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने पहले ही कह दिया कि जो कोई दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन दोषी के साथ हम निर्दोष को भी सजा दे दें, और किसके कहने पर सजा दे दें? जो दोषियों को मंत्री बनाता हो, जो दोषियों को संरक्षण देता हो, जो दोषियों को भारत रत्न देता हो, 10,000 सिखों की हत्या करवाने वाले व्यक्ति को भारत रत्न दे दिया जाए, और जो है नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की इसलिए हिंदू आतंकवाद था, तो वी प्रभाकरण ने जो है एक क्रिश्चियन ने राजीव गांधी की हत्या की, ईसाई आतंकवाद कह दे उसको, है हिम्मत सुप्रिया श्रीनेत में कि राजीव गांधी की हत्या ईसाई आतंकवाद में हुई है? कोई कह सकता है क्या कि ईसाई आतंकवाद भी इस देश में है, इस तरह कोई बात कर सकता है क्या? क्योंकि वेल्लुपल्ली प्रभाकरण जो था उसका धर्म ईसाई था और उसने हत्या करवाई थी राजीव गांधी जी की, कभी ईसाई आतंकवाद कह सकेंगे क्या? सोनिया गांधी इनका कान पकड़ के पार्टी से बाहर निकाल देगी। तो ये जो दशा है, बारंबार जो है हिंदुओं को बदनाम करना, अभी राजू राहुल गांधी कहते हैं हिंदू और हिंदुत्व अलग है, ये उसी तरह से जैसे राहुल गांधी पुरुष तो है लेकिन पुरुषत्व तो नहीं है उनके पास, ऐसा कोई कहते हिंदू और हिंदुत्व और पुरुष और पुरुषत्व का वही संबंध है। तो राहुल गांधी बार बार खड़े होके जिस तरह हिंदुओं के लिए अपशब्द बकते हैं, ठीक है, वो ये बता रहा है कि दरअसल योगी आदित्यनाथ की सरकार ही पूरे मामले की जांच करवा रही है और मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी करवाई है। ठीक है सर, ठीक है, लेकिन फिर से हम आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर से हम आ जाते हैं मेन मुद्दे पर जिसको लेकर हम बहस कर रहे हैं, क्योंकि मुद्दा
इस बहस का जो है मुझे लग रहा है कि तमाम मेहमानों का ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हुए राजकुमार भाटी जी, मैं सीधे आपको लेकर आना चाहूंगी, क्योंकि जिस जौनपुर में मेरी मौजूदगी है यहीं से कुछ दूरी पर अखिलेश यादव ने आज रोड शो की, बड़ी जनसभा भी की, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी की ओर से बार बार ये टिप्पणियां और आरोप लगाए जा रहे हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उसकी भव्यता दिव्यता को देखकर दरअसल बौखला गए हैं अखिलेश यादव। बीजेपी बार बार ये कह रही है कि अगर यही जिन्ना की मूर्ति का अनावरण होता तो वो खुशी खुशी माल्यार्पण के लिए जाते, मिठाई बांट रहे होते, लेकिन चूंकि ये काशी है इस वजह से उनकी ओर से अभद्र टिप्पणी की जा रही है जो उनकी खराब मानसिकता को दर्शाता है। क्या है इस पर राजकुमार भाटी जी जवाब आपका? अखिलेश यादव जी ने कोई वो अभद्र शब्द कभी प्रयोग करते नहीं है। अभद्रता और अशालीनता तो भारतीय जनता पार्टी के लिए छोड़ रखी है, हमने यही करते हैं। अभी मर्यादा की नैतिकता की बहुत बात उठी डिबेट में आपकी में, तो ये विजय त्रिवेदी के शब्द ये भी बता रहे हैं कि मर्यादा और नैतिकता की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी से नहीं की जा सकती। और ये हम लोग ही सवाल नहीं उठा रहे, सुप्रीम कोर्ट ने खुद पूछा जब ये केंद्रीय मंत्री के बेटे को समन जारी करके कह रहे थे कि आप आओ और हमें आपके बयान लेने हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद पूछा क्या सभी अपराधियों को इसी तरह बुलाते हो, क्या आ जाइए आपसे कुछ बात करनी है। तो ये तो, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए, और हमारी कोशिश होगी कि राजनीति को इस चुनाव को मुद्दों पे ही लेकर आया जाए। जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र 2017 में जारी किया था उसे उसके बाद उठा के पढ़ा नहीं है, ये अपनी मर्जी की उपलब्धियां बताएंगे अपनी। हम पूछना ये चाहते हैं कि जो घोषणा पत्र में आपने किया था, अब आज हम 14 दिसंबर में डिबेट कर रहे हैं, 16 दिन बकाया है इस साल के। माननीय मोदी जी ने कहा था कि 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, हाँ। तो क्या 16 दिन बाद किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी? और जो अभी ये कह रहे थे गन्ना किसानों को हमने इतना भुगतान कर दिया, उनके गन्ने का ही तो भुगतान किया है, पूरा भुगतान तो आपने भी नहीं किया, आपका भी बहुत बकाया है। तो अब फिर ब्याज देने की बात की थी, 1 रुपया भी ब्याज दिया क्या किसी गन्ना किसान को? किसान की खेती की जो लागत है वो आपने कई गुना बढ़ा दी, डीजल महंगा कर दिया, खाद महंगा कर दिया, सब चीजों पर महंगाई आ गई, और कीमत जो फसल की है वो आपने कम कर दी, तो किसान तो बर्बाद कर दिया आपने 5 साल के शासन काल में। और जो 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 वादे आपने घोषणा पत्र में किए थे कोई नहीं पढ़, ठीक है, इस सवाल का जवाब आप दीजिए प्रेम शुक्ला जी। लेकिन राजकुमार भाटी जी, काशी पर आप लोग कुछ बोलने से डरते क्यों हैं? मैं बार बार आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि काशी का विकास मॉडल क्या आपको ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा है? वहां पर जो कामकाज हुआ है उसको लेकर क्या सोच रहे हैं आप? काशी पर आप लोग बात करने से बचते क्यों हैं? आपने जो मुद्दे उठाए यकीनन मैं उस पर जवाब लूंगी, आपने पहले भी ये मुद्दे उठाए थे, मैंने उस पर जवाब लिया था, लेकिन मुझे लग रहा है जितनी बार मैंने काशी का जिक्र किया उतनी बार फिर आप अलग अलग बातों पर गए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। स्पेसिफिक सवाल का जवाब भी तो उसी तरह होना चाहिए ना। काशी पर चर्चा करने से हम क्यों डरेंगे, काशी पर बोलने से क्यों डरेंगे? क्या काशी सिर्फ इनकी है? हमारी पार्टी तो अलग अलग है, धर्म तो हमारा एक है, हमारे भी तो शिव हमारे भी तो हैं, हमारे भी तो आराध्य हैं, राम हमारे भी तो आराध्य हैं, हमें क्या डर है? लेकिन हम अब चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के, इसलिए जनता के मुद्दे उठाना भी तो जरूरी है। ये औरंगजेब करते रहेंगे, गरीब की जेब खाली कर दी आपने औरंगजेब का झांसा देके, ये औरंगजेब की बात करेंगे? कामकाज हुआ है वो जनता का ही तो मुद्दा है, वही तो सवाल मैं आपसे पूछ रही थी। ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन प्रेम शुक्ला जी वो बार बार आप कहीं भी घुमाए, राष्ट्रवाद सांस्कृतिक और तमाम चीजों की गिनती कराए, वो आपसे डीजल पर, महंगाई पर, रोजगार पर सवाल पूछेंगे ही, और इस सवाल का क्या है जवाब? ये तो आपको अच्छा बताना पड़ेगा चुनाव के दौरान यहाँ की जनता को। हर सवाल का जवाब है, हर सवाल का जवाब है, हर सवाल का जवाब है, आप सुन लीजिए। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को सत्ता सौंपी थी तब 35 रुपए लीटर डीजल का भाव था। जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह से सत्ता का सूत्र स्वीकारा तो 85 रुपए डीजल का भाव था। आज डीजल का भाव क्या है? 90 रुपए के आसपास। तो 5 रुपए सिर्फ जो है डीजल के मूल्य में 7 वर्षों में बढ़ोतरी होती है और 10 वर्षों में 60 रुपए की बढ़ोतरी हो जाती है। तो डीजल का भाव किसने बढ़ाया? मुद्रास्फीति की दर जो है एवरेज जो है 4.5% 7 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में रही है, आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 10% रही है। तो किसने ज्यादा महंगाई बढ़ाई जी, जरा बता दें। 38,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ। कर्ज किसके जमाने में चढ़ा? अखिलेश सिंह यादव के जमाने में चढ़ा। माफ किसने किया? आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने माफ किया। इन्होंने गन्ना किसानों का कुल भुगतान किया 80,000 करोड़ रुपए। भारतीय जनता पार्टी ने गन्ना किसानों का कुल उत्तर प्रदेश से भुगतान किया 1,40,000 करोड़ रुपए। गन्ने का रकबा बढ़ा किसके? और 21 चीनी मिले मायावती ने बंद कराई, 11 चीनी मिले
अखिलेश सिंह यादव ने बंद कराई, उन चीनी मिलों को फिर से प्रारंभ किसने किया? आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने। किसानों का हितु कौन है? आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी है। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसने दी? आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में हुई। मुफ्त मकान कब बने किसानों के, गरीब किसानों के? आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में। 24 घंटे बिजली की सुविधा कब शुरू हुई? आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। लेकिन एक सच्चाई ये भी है, ठीक है सर, ठीक है मुझे पता चल गया कि आप पूरा रट के आए हुए हैं, पूरा लिख के आए हुए हैं कि पूरा एक बार सवाल पूछा जाएगा तो आधे घंटे तक गिनाने बैठ जाएंगे, लेकिन वक्त नहीं है, दूसरे लोगों को भी मौका देते हैं। सुप्रिया, वो गिना तो रहे हैं अपना कामकाज, और बीते एक महीने से ज्यादा का समय हो गया। मैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जा रही हूं, ये बात तो सच है कि प्रधानमंत्री की ओर से जो फ्री में मुफ्त में राशन दिया गया है इस पूरे कोरोना काल के जरिए, उसका असर तो दिखाई दे रहा है लोगों में। जो लोगों को छतें दी गई हैं 2.5 लाख रुपए शहरी इलाके को और 1.5 लाख रुपए ग्रामीण आबादी को, जिससे महिलाएं घर बना रही हैं और उसके आगे महिलाओं का नाम चिपक रहा है, तो कामकाज तो किया है, इस बात को स्वीकारने में हर्ष क्या है? वो तो जमीन पर दिख रहा है। सुप्रिया जी, मुझे थोड़ी सी हंसी आती है, जिन चीजों के बारे में ज्यादा पता नहीं हो बोलना नहीं चाहिए, तो जब ये अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो थोड़ी हंसी आने लगती है, और हंसी आना वाजिब है। 2014 में, छोटा सा आंकड़ा दे देती हूँ, सच दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, 2014 में कच्चा तेल $150 प्रति बैरल था, तब पेट्रोल की कीमत ₹70 थी। आज कच्चा तेल $72 प्रति बैरल है, पेट्रोल की कीमत ₹110 प्रति लीटर है। ये भाजपा की करनी है। पिछले 7.5 सालों में मोदी जी और योगी जी की नीतियों के चलते औसतन किसान का जो कृषि की लागत है वो 20,000 से 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर बढ़ गई है। आप बात कर रहे हैं किसान को 6,000 रुपए देने की, 6,000 रुपए दे रहे हैं, 25,000 बढ़ा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, बांदा में जिंदा गायों को कल दफन करने की रिपोर्ट आई, जिस पर कुछ भाजपाइयों ने भी आपत्ति दर्ज करी योगी जी के खिलाफ, उसके बारे में क्या कहना है? आप कुछ बोलेंगे? ललितपुर में लाइन में खड़े हुए बिना खाद के किसानों की मौत हो जाती है, किसान शहीद हो जाते हैं, आप उसके बारे में कुछ बोलेंगे? बेरोजगार जब प्रदर्शन करता है तो योगी जी बोलते हैं तुम्हारी प्रॉपर्टी जब्त कर लूंगा, आप उसके बारे में कुछ बोलेंगे? हाथरस में ये सब लोग आकर कहते थे रेप नहीं हुआ, उन्नाव में कहते थे रेप नहीं हुआ, अपने MLA को बचाते थे, वो दोषी पाए गए और हाथरस में चार्जशीट में रेप आया, इन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी, एक लड़की का चरित्र हरण करते हुए घूमते थे, इन्होंने कुछ किया? ये है इनका राजनीतिक संरक्षण, जो दोषियों को, आरोपियों को दिया जाता है, विक्टिम्स को प्रशासन और पुलिस और सरकार मिलकर प्रताड़ित करती है, ये इनकी असलियत है। इस पर बात करिए, इस पर बात ये नहीं करना चाहेंगे, किसानों के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहेंगे, बेरोजगारों पर बात नहीं करना चाहेंगे, ये महिलाओं पर बात नहीं करना चाहेंगे, ये अनर्गल मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, और अगर ये आस्था पर बात करना चाहते हैं तो मेरी आस्था, अनर्गल मुद्दे कौन से हैं? गन्ना किसानों को इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ अनर्गल मुद्दा कौन सा है? मैं बताती हूँ कौन सा मुद्दा है अनर्गल, मैं बता रही हूँ, सुनिए, मैं अगर समझना चाह रही तो सुनिए, एक अनर्गल मुद्दा आपको बताती हूँ। गन्ना किसान का झुनझुना बजा रहे हैं, अपने मैनिफेस्टो में कहा था ₹400 प्रति क्विंटल देंगे, अभी तक 400 सरकार जाने को आ गई, चला चली की बेला है, 400 नहीं दे पाए, अभी भी 15,000 करोड़ बकाया है, ये कौन सी अनर्गल बातें करते हैं? सत्य से इनका ताल्लुक नहीं है, गोडसे के ये उपासक है, गांधी के हत्यारों के साथ खड़े रहना है, बस झूठ में डुबकी लगानी है इनको, सच तो ये है। जवाब है तो दे दे मुझे, प्रेम शुक्ला जी जवाब दे दीजिए। बांदा में गायों को जिंदा दफन किया जा रहा है, जवाब दे सकते जी, जी, अच्छा हुआ गाय की इनको चिंता हुई, गाय की इनको चिंता हुई, जो लोग राहुल गांधी के साथ खड़े होकर गायों को कटवाते थे केरल में, गायों को कटवाते थे, और संजय निरुपम इनके एक सांसद है, जब महाराष्ट्र में गौवंश हत्या पर प्रतिबंध लगा तो उन्होंने बीफ फेस्टिवल किया, गायों को आइए काट कर खाइए, तो जब गायों को काट कर खिलाने वाले और कैलाश की यात्रा करने के लिए श्रीमान राहुल गांधी जब निकले तो रास्ते में बीफ खाते हुए गौ मांस खाते हुए गए, ऐसा नेपाल के समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया, तो गायों के प्रति इनके मन में प्रेम जाग रहा है, ये सदिच्छा का भाव हो रहा है, फिर बीच में चिल्ला रही है, झूठ मत बोलो, ये गाली वाली बाई फिर चिल्लाने लगी, ये गाली वाली बाई फिर चिल्लाने लगी, मैं नेपाल के अखबार को उद्धृत कर रहा हूँ, कौन सा झूठ बोलो, केरल में गायन के नेता ने काटी कि नहीं, बीफ फेस्टिवल जो है संजय निरुपम ने लगाया कि नहीं, कैलाश मानसरोवर जाते समय गौ मांस खाकर राहुल गांधी गए कि नहीं, श्रीमती सोनिया गांधी गौ मांस खाती है कि नहीं, बताइए ना, गौ मांस खाने वाला जो है
देखिए अब चिल्ला रही है, अब आप देखो गाली वाली बाई औकात पर आई, गाली वाली बाई औकात पर आई। चित्रा जी मेरे को बोलने देगी कि नहीं यहाँ पे किस तरह के शब्दों का प्रयोग करूँ ठीक है किस तरह से गाली का प्रयोग कर रही है, दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। बेहुदे आदमी से बदतमीजी की झूठी बातें ना बोले, यहाँ पर बकवास ना करे, ये बकवास ना करे, बकवास ना करे, बिल्कुल चुप रहे तू अभद्र बदतमीज आदमी, सिर्फ झूठ बोलने आता है यहाँ पर। चुप तू गाली खाने लायक है, ये कांग्रेस तू गाली खाने लायक है, खाते रही है, तुझे और गालियां पड़नी चाहिए। जब दोनों लोग एक साथ में बोलेंगे एक तो बात समझ में नहीं आएगी। अपनी अपनी बारी का इंतजार करें, उस समय बोलें प्लीज। आप दोनों से गुजारिश है कि निहायत निजी टिप्पणी करके आप जनता का और दर्शकों का समय बर्बाद कर रहे हैं। प्लीज दोनों ही लोगों से एक से ज्यादा प्लीज, प्रेम शुक्ला जी और सुप्रिया जी, प्रेम शुक्ला जी और सुप्रिया जी दोनों ही लोगों से, दोनों ही लोगों से। जनता इसलिए तो नहीं सुनने बैठी है कि आप एक दूसरे पर निजी टिप्पणी करें। प्लीज एक सेकेंड प्लीज, तुम्हारी दलाली के बारे में एक तराजू पर सबको पता है, ये कौन सी भाषा है प्लीज, ये बात करो, सबको पता है दलाली के बारे में, गाली वाली भाई जो ये कौन सी भाषा है सुप्रिया जी, सुप्रिया जी ये कौन सी भाषा है, आपको नहीं सुनाई वो क्या बोले मेरे नेताओं को। प्लीज प्रेम शुक्ला जी आपसे भी गुजारिश है, प्रेम शुक्ला जी आपसे भी गुजारिश है, मेरे नेताओं प्लीज ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत है। दोनों लोग एक साथ बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, और इतनी स्थिति और व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों की जा रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पागल पागल दलालों को कहाँ से ले आती है, मैंने नहीं बोलना चाहिए, मैं तो मेरे नेताओं को दोनों ही लोगों की आवाज को प्लीज डाउन किया जाए, दोनों ही लोगों की आवाज को तत्काल डाउन किया जाए। राष्ट्रीय स्तर का इतना बड़ा प्रवक्ता, दोनों ही लोग आपको ये दर्जा प्राप्त है, और यहाँ पर आकर दर्शकों का समय जाया करके आप लोग एक दूसरे पर निहायत निजी टिप्पणी कर रहे हैं, ये कितनी गलत बात है। असल मुद्दे आज का हमारा मुद्दा क्या था, बनारसिया को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर बीजेपी जो आगे चल रही है, इधर उधर के मुद्दे पर होते हुए हम घूम कर कहां जाते हैं, उसी निजी टिप्पणी पर, ये कितनी गलत बात है। जो दर्शक आपको देख रहे होंगे उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, ये कौन सा शब्द है दलाली, ये कौन सी निजी टिप्पणी एक दूसरे पर करने की क्या जरूरत है, और इससे आम जनता का क्या फायदा होना है। एक दूसरे को फोन करके आप इस तरह की बातें कर लीजिएगा प्लीज। राष्ट्रीय स्तर के टेलीविजन पर बैठकर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल है आज तक, और यहां पर आप लोग अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं एक दूसरे पर। राजकुमार भाटी जी सीधे आपके पास आते हुए, प्लीज दोनों लोगों का ऑडियो आप डाउन करके रखिए। राजकुमार भाटी जी सीधे आपके पास आते हुए, हम मुद्दे पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, यकीनन जो भी बड़े नेताओं का एक्शन होगा यूपी के चुनाव से उसको जोड़कर देखा जाएगा, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की ओर से मुझे दिए गए इंटरव्यू में कहा गया है कि लाल टोपी और जालीदार टोपी दोनों ही गुंडागर्दी करते हैं, और इनके लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। क्या है इस पर जवाब आपका, बताइए आप। प्रसाद मौर्य और उनकी पार्टी टिप्पणियां करेगी, मुद्दे बार बार कह रहा हूं, लेकिन क्या आप सहमत हैं इस बात से, क्या जाली वाली टोपी और लाल टोपी गुंडाई का प्रतीक है, आप सहमत हैं या नहीं है? अगर आप सहमत नहीं है तो आपको ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। ये तो हद होती है। जिस पार्टी का मुखिया अशालीन शब्दों का प्रयोग करता हो तो छोटे मोटे केशव प्रसाद मौर्य ने तो स्टूल पर बैठाया जाता है, जब मीटिंग होती है इन्हें बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं मिलती, इन्हें स्टूल पर बैठाया जाता है, तो अपनी खींच निकाल रहे हैं बेचारे। और भारतीय जनता पार्टी इस समय भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है, हमें ज्यादा लड़ने की जरूरत नहीं है, जनता हमारे साथ खड़ी है, सरकार तो बदल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में दो ग्रुप तीन ग्रुप बन गए हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और इनमें ये भी कंपटीशन है कि दूसरी पार्टी पर कौन ज्यादा अभद्र भाषा में टिप्पणी कर सकता है, कौन ज्यादा गाली दे सकता है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी जब आते हैं तो बड़े तेज में, ठीक है, एक जल्दी से क्लोजिंग कमेंट विजय त्रिवेदी जी आपका, ठीक है विजय त्रिवेदी जी जल्दी से दो लाइन में क्लोजिंग कमेंट आपका। वैसे बीजेपी के जो कामकाज हैं अखिलेश यादव भी उसका श्रेय ले रहे हैं, जहां पर भी बीजेपी कैंची से फीता काटने जाती है अखिलेश यादव तुरंत बता देते हैं ये तो हमारे कार्यकाल में हुआ था। क्या फायदा होगा इससे और किसको फायदा होगा, बताइए आप जी। चित्रा जी एक तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप बहुत फैक्ट्स के साथ डिबेट को करना चाहती हैं, लेकिन मुझे खराब भी लग रहा है कि जिस तरह से हमारे जिनको लोग देखते हैं वो उन तथ्यों पर बात नहीं कर रहे हैं और उसको कर रहे हैं। हो सकता है चित्रा जी के जब सवालों के जवाब में प्रोग्राम में वो जवाब ना दें, लेकिन जनता तो सवालों के जवाब चाहेगी जिन बातों की बात आप कर रहे हैं।
अखिलेश जी ने जो बात की है वो भी किसी हद तक ठीक है, उन्होंने योजनाओं को शुरू किया, लेकिन ये भी तो सच हुआ कि उन्होंने वो योजनाएं पूरी नहीं की होंगी अपने कार्यकाल में, जिनको आज भारतीय जनता पार्टी के नेता या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री उनको पूरा करने के बाद उसका उद्घाटन कर रहे हैं। इस सरकार में कुछ काम ऐसे हुए कि जो जिन योजनाओं का शिलान्यास भी उन्होंने किया योगी जी ने या प्रधानमंत्री। मुझे माफी के साथ आपको रोकना पड़ा है, मुझे बार बार कहा जा रहा है कि वक्त हमें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता है।